गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रा आप सबको स्वागत करती हूँ नव भारती स्कूल में। आज हम क्लास 12 का डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक्सरसाइज है 4.1, वो करेंगे हम सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन। जो स्केयर मैट्रिक्स होती है कोई भी, उसको हमने जनरली लिख दिया ए आई जे, ठीक है। ठीक है, वो क्या है, कौन से ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है, ठीक है, जहाँ पर आई और जे दोनों बराबर होंगे, मतलब इक्वल रहेंगे। आई और जे की मतलब आई भी एन एथ टर्म होगी और जे की भी एन एथ टर्म होगी, ठीक है। वो बोला हमने कि क्या होगा यहाँ पर, ये स्केयर मैट्रिक्स है। ए क्या है, स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स है। तो उसके अंदर जो मैं उसको मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज आएगी वो तो क्या तो हमारी रियल वैल्यूज होएगी, ठीक है, या हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होएगी, ठीक है। जो ये दो वैल्यूज आती है, क्या तो रियल आती है कॉम्प्लेक्स आती है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि स्क्वेयर में एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए ए आई जे की सभी जो स्क्वेयर मैट्रिक्स है ए आई जे उसका ऑर्डर एन है, तो उसको हम जो सोल्व करते हैं तो जो नंबर आता है वो क्या तो रियल में होगा या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज में होगा। तो उस वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स, जहां पर ए आई जे क्या है, आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हमें आगे देखते हैं कि जो हमें वैल्यूज दी गई हुई, मतलब स्क्वेयर मैट्रिक्स दी है हमें, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, या तो रियल आएगा या कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, ये हमें पता है। क्या तो उसका जो वैल्यूज आएगी क्या ये रियल या कॉम्प्लेक्स। अब हम लेट कर लेते हैं कि m है कोई हमारे पास, वो स्क्वेयर मैट्रिक्स है, m है किसके बराबर है, कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है, m हमारी स्क्वेयर मैट्रिक्स है, ठीक है। और f है वो क्या है, फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और k कोई हमने ले लिया कैपिटल k, वो क्या है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और कैसे नंबर्स होंगे, क्या तो वो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो उसका सॉल्यूशन आएगा, उसी को तो हम बोलते हैं सेट ऑफ नंबर्स, यानी रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एम से के तक, यानी कि फंक्शन जो है वो एम से के की तरफ जा रहा है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल के, जहां पर ये ए है वो कैपिटल एम को बिलोंग कर रहा है और ये स्मॉल के है वो कैपिटल के को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और जो ये एफ ऑफ ए है ये क्या है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए का मोड, या फिर हम किससे करेंगे ऐसे ए ये लिख देंगे, या हम इसको इस शेप में लिख देंगे, ठीक है, ये हमारे डिटर्मिनेंट के सिंबल है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने, ए की वैल्यू ले ली हमने ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए का मोड, ये मोड नहीं बोलेंगे हम इसको, ए डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है, इधर भी लगाएंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए डिटर्मिनेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सोल्व करना आगे बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है। हम जो ये ए ए के आगे आगे और पीछे ये जो लगाते हैं डायडंडी, ठीक है, इसको हम मोड में भी लिखते हैं, मोड ए बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में इसको मोड ए नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे, मोड ए ऑफ ए नहीं बोलेंगे। डिटर्मिनेंट किस में सोल्व होएगा, वो जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, स्क्वेयर मैट्रिक्स, यानी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, ठीक है, तो ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, वरना हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। आगे चलते हैं हम,
आगे क्या डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, यानी कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर, ऑर्डर अगर वन हो यानी कि ए उसमें सिंगल एलिमेंट हो, कोई मैट्रिक्स ए है उसमें क्या हो सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट है तो यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा वन, ठीक है। और जब मोर डिटरमिनेंट निकालेंगे ठीक है तो वैल्यूज क्या आएगी, ए का डिटरमिनेंट की वैल्यूज क्या आएगी ए, यानी कि इसकी वैल्यूज कितनी आई वन आई। जब ऑर्डर वन था तो डिटरमिनेंट भी क्या आया वन आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑर्डर टू के लिए, हमने लेट कर लिया ए है वो किसके बराबर है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर, ठीक है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसी मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू की, ठीक है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं या फिर ए का ये भी लिख सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं, तीनों ही बराबर होंगे इसके ए वन वन ए वन टू ए टू वन, या मैंने गलत लिख दिया नाम दोबारा सही लिख रही हूँ ए टू वन ए टू टू, ठीक है ए टू टू, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, ये जो ए वन वन है इसकी मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे ए टू टू के साथ, फिर माइनस लगा के ए वन टू की ए टू वन के साथ, तो ए वन वन की ए टू टू के साथ करेंगे तो क्या आएगा ए वन वन ए टू टू, फिर माइनस लगाएंगे ए वन टू की ए टू वन के साथ, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर उससे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे इसके एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर के। तो हमें एग्जांपल दिया गया है टू फोर माइनस वन टू, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम टू की टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो टू इंटू में टू माइनस के निशान लगाएंगे, फोर की माइनस वन के साथ करेंगे फोर इंटू में माइनस वन, तो क्या आया फोर माइनस फोर और माइनस वन दे रहे यानी कि प्लस का फोर हो जाएगा, तो वैल्यूज क्या है डिटरमिनेंट की एट। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का निशान, अब एक्स प्लस वन किसके साथ करेंगे एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन, ठीक है। सोल्व करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कौन सा फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई वन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल है नहीं एग्जाम्पल तो ये हो गए हमारे अभी करें, आगे हमारे पास हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री के, ठीक है। जब अभी हमने किसके करे थे टू क्रॉस टू के यानी कि ऑर्डर टू के करे थे, अब हम ऑर्डर थ्री के कर रहे हैं। थ्री ऑर्डर का को जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे पहले हम उसको टू ऑर्डर का बनाएंगे यानी कि टू क्रॉस टू का बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको हम सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होंगे सिक्स वेज होंगी, सिक्स वेज कैसे होंगी थ्री ऑर्डर के में क्या होता है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो हमारे पास क्या है ए वन टू थ्री थ्री रोज आई वन टू थ्री थ्री कॉलम्स आई यानी कि थ्री रोज थ्री कॉलम आ रही, ठीक है। तो हम रोज और कॉलम को लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इन थ्री रोज को लेके करेंगे फिर इन थ्री कॉलम को भी लेके चलेंगे, तो टोटल कितने सिक्स वेज हो गए किसको हम टू ऑर्डर में बना सके, ठीक है। रोज को हम कैसे लिखेंगे आर वन आर टू आर थ्री डिनोट करेंगे और कॉलम को हम कैसे डिनोट करेंगे सी वन
C2 C3, ठीक है ऐसे। अब हम चलते हैं एग्जांपल लेके चलते हैं इसका एक, ठीक है हमने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया A है वो किसके बराबर है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी 3x3 की, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको सेकंड उसमें सेकंड ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं पहले फर्स्ट रो को लेके चलते हैं, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो लेके चल रहे तो आर वन डिनोट करेंगे। तो क्या करेंगे हम A11 पहले तो हम क्या करेंगे ये आर वन है तो क्या है हमारे पास A11 है तो हम क्या लेके चलेंगे -1। A11 में क्या है 1 और 1 तो 1+1, ठीक है ये -1 की पावर कर दी। अब हम क्या करेंगे A11 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है अब हम इसको सेकेंड डिटरमिनेंट में बनाएंगे सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट। तो हम क्या कर लेंगे इधर की रो को ढक लेंगे, कॉलम को ढक लेंगे और इस रो को, ठीक है तो हमारे पास वैल्यूज क्या है इस रो को ढक लेंगे और इस वाली को ढक लेंगे कॉलम को, तो क्या आएगा हमारे पास डिटरमिनेंट A22 A23 A32 A33, ये आया, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड रो को लेके चलेंगे, सेकंड रो को लेके चलेंगे तो क्या करेंगे हम -1, ठीक है सेकंड रो यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेके चलेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे थे फर्स्ट एलिमेंट ले रहे थे फर्स्ट रो का, ठीक है ये A11, अभी हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेके चलेंगे। तो सेकंड एलिमेंट ले रहे तो 1 और 2 तो -1 की पावर क्या जाएगी 1+2 A12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये सेकंड कॉलम को ढक लेंगे और फर्स्ट रो को ढक लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास A21 A23 A31 और A33, ये हमारा आ गया फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। इसी तरह से हम थर्ड एलिमेंट निकालेंगे, थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे -1 A13 है तो 1 इसकी पावर क्या जाएगी 1+3 A13 की वैल्यूज डिटरमिनेंट लगाएंगे तो थर्ड कॉलम को ढक लेंगे फर्स्ट रो को ढक लेंगे तो बचेगा क्या A21 A22 A32 A33, ठीक है ये हमारी फर्स्ट रो की थर्ड एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, अब क्या है यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है तो क्या है हमारे पास फर्स्ट रो का तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे -1 पावर 1+1 A11 A22 A23 A32 A33 का डिटरमिनेंट, ठीक है प्लस -1 की पावर 1+2 A12 डिटरमिनेंट ऑफ A31 A32 A33 प्लस -1 की पावर 1+3 A13 A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम A22 को A3 से मल्टीप्लाई कर देंगे A23 की A32 से तो क्या आएगा -1 की पावर 1+1 यानी कि 2 हो गया, -1 की पावर 2 क्या आता है +1 हो जाएगा क्या बचेगा A11 A22 A33, माइनस का निशान अब A23 के A32 से करेंगे तो क्या आएगा A23 A32 प्लस -1 की पावर 1+2 यानी कि क्या आएगा -1 की पावर 3 तो -1 की पावर 3 क्या होती है माइनस होती है तो यहाँ क्या आ जाएगा -A12
ए टू वन की ए थ्री से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री ए थ्री वन, अब माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री यानी कि माइनस वन की पावर फोर, तो क्या ये प्लस वन, ए वन थ्री ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए टू टू ए थ्री वन, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम, ए वन वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी कर देंगे, तो क्या आएगा ए वन वन ए टू टू ए टू थ्री सॉरी थ्री थ्री माइनस ए वन वन ए टू थ्री ए थ्री टू माइनस ए वन टू ए टू वन ए थ्री थ्री ए वन प्लस ए वन टू ए टू थ्री ए थ्री वन प्लस ए वन थ्री ए टू वन ए थ्री टू माइनस ए वन थ्री ए टू टू ए थ्री वन, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड रो के लिए। सेकंड रो के लिए क्या करेंगे हम, सेम इसी तरह सेकंड रो के लिए करेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए टू वन, ए टू वन लेके चलेंगे हम, माइनस वन की पावर टू प्लस वन एलिम ए टू वन की वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड रो को ढक लेंगे और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो क्या बचेगा, ए वन टू ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री, ठीक है। ये हमारे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब हम सेकंड एलिमेंट निकालेंगे। सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ए टू टू। ए टू टू का क्या करेंगे, माइनस वन की पावर टू प्लस टू वैल्यूज ऑफ ए टू टू। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को ढक लेंगे और सेकंड कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या बचेगा ए वन वन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ऊपर, यहां पर आएगा ए वन टू और ए थ्री टू, ठीक है। यहां पर क्या बचा, ए थ्री वन ए वन थ्री ए थ्री थ्री, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट निकाल लेंगे, माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री ए टू थ्री, ठीक है। अब थर्ड कॉलम को ढक लेंगे और सेकंड रो को, तो क्या आएगा, ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन ए थ्री टू। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो का डिटर्मिनेंट के लिए ये तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ए वन टू को ए थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस करके ए वन थ्री को ए थ्री टू के साथ, तो क्या आएगा, माइनस ए टू वन ए वन टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए वन थ्री, ठीक है, प्लस ए टू टू ए वन वन ए थ्री थ्री माइनस ए वन थ्री ए थ्री वन माइनस ए टू थ्री ए वन वन ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन ए वन टू। अब इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस ए टू वन ए वन टू ए थ्री थ्री प्लस ए टू वन ए थ्री टू ए वन थ्री प्लस ए टू टू ए वन वन ए थ्री थ्री माइनस ए टू टू ए वन थ्री ए थ्री वन माइनस ए टू थ्री ए वन टू ए थ्री टू प्लस ए टू थ्री ए थ्री टू ए वन टू। ये सेकंड रो का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड रो का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। थर्ड रो का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, फिर हम अब चलते हैं कॉलम की तरह, कॉलम की तरफ, कॉलम की तरफ चलेंगे तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब पहला एलिमेंट लेते हैं ए वन वन, कॉलम को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सी वन से, ए वन वन माइनस वन की पावर वन प्लस वन, वही हम फिर इसमें करेंगे, इसको ढक लेंगे
और इसको डाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। या इसी तरीके सेकंड एलिमेंट आ जाएगा इसका, ए टू वन माइनस वन की पावर टू प्लस वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, ए थ्री वन माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू टू, ए टू थ्री। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी ये वाली, इसको सॉल्व करके लिखेंगे हम क्या आएगा, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री, ए थ्री टू। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम साथ में, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री माइनस ए वन वन, ए टू थ्री, ए थ्री टू माइनस ए टू वन, ए वन टू, ए थ्री थ्री माइनस ए टू वन, ए वन थ्री, ए थ्री टू प्लस ए थ्री वन, ए वन टू, ए टू थ्री माइनस ए थ्री वन, ए वन वन थ्री, ए टू टू, ठीक है। ये हमारे कॉलम फर्स्ट की डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम सेकंड के लिए चलते हैं, सेम ऐसे सेकंड के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे जो वैल्यूज आई कॉलम की सी वन, सी टू और सी थ्री की और रोज की, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल के पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वन टू फोर माइनस वन थ्री जीरो फोर वन जीरो, ठीक है। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, हम पहला एलिमेंट लेके चलेंगे वन की पावर वन प्लस वन, एलिमेंट क्या है वन, इस रो को डाल लेंगे और इस कॉलम को डाल लेंगे तो क्या आएगा थ्री जीरो वन जीरो, ठीक है। प्लस वन, वन की पावर, अब ये एलिमेंट कौन से पे है, ए वन टू पे, तो वन की पावर वन प्लस टू। अब इस रो को डाल लेंगे और इस कॉलम को डाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस वन जीरो फोर जीरो, प्लस वन की पावर वन प्लस थ्री, एलिमेंट की वैल्यू क्या है फोर, इस रो को डाल लेंगे इस कॉलम को डाल लेंगे क्या आएगा माइनस वन थ्री फोर वन, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगी वन, वन की पावर वन प्लस वन माइनस वन की पावर आएगी तो क्या आएगी माइनस वन की पावर टू, तो यानी कि वन आ जाएगा। अब थ्री को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को वन के साथ तो क्या आएगा जीरो ही आएगा, तो ये वैल्यू फर्स्ट क्या होगी जीरो, माइनस वन की पावर वन प्लस टू यानी माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी थ्री, तो क्या आएगा माइनस वन, माइनस वन इंटू में टू तो माइनस का टू हो जाएगा। अब माइनस वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरो को फोर के साथ तो ये वाली टर्म भी क्या आएगी हमारी जीरो, प्लस माइनस वन की पावर फोर प्लस हो जाएगा फोर, माइनस वन की वन के साथ करेंगे तो माइनस वन, माइनस वन के थ्री के फोर के साथ करेंगे तो ट्वेल्व, तो क्या आ जाएगा फोर इंटू में माइनस का थर्टीन, तो फोर इंटू में माइनस का थर्टीन क्या आएगा माइनस का फिफ्टी टू। ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीरो साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, जीरो साइन बीटा कोस अल्फा माइनस का साइन बीटा जीरो, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम पहला एलिमेंट लेंगे चलेंगे माइनस वन की पावर वन प्लस वन, पहला एलिमेंट क्या है जीरो, तो क्या हो जाएगी ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इधर जीरो, प्लस माइनस वन की पावर सेकंड एलिमेंट वन प्लस वन,
सॉरी 1 प्लस 2। सेकेंड एलिमेंट क्या है? साइन अल्फा। फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा? साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा 0 प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3। थर्ड एलिमेंट लेके चलेंगे फर्स्ट रो का, माइनस का कोस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को ढक लेंगे, माइनस का साइन अल्फा 0 कोस अल्फा माइनस का साइन बीटा ये बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो क्या बचेगा? माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस का निशान, साइन बीटा की कोस अल्फा के साथ करेंगे तो साइन बीटा कोस अल्फा, ठीक है। माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 यानी कि प्लस 1 माइनस का कोस अल्फा, ठीक है। माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस अल्फा। साइन अल्फा किसके साथ करेंगे? साइन बीटा के साथ, तो माइनस का ये साइन अल्फा, माइनस का साइन बीटा, तो प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस कोस अल्फा की 0 के साथ करेंगे तो 0। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का माइनस इधर है और माइनस इधर भी, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज दोनों सेम है तो क्या आ जाएगी? 0। डिटरमिनेंट क्या आ गया इसका हमारे पास? 0। अब हम आगे देखते हैं, आगे एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। 3x एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/3241, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयर कर देंगे हम, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास x की वैल्यू? a11 किसके बराबर होगा? इधर k11 के, ठीक है। तो a क्या है? 3, इधर भी 3 है। a12 इधर वाला भी a12 के बराबर आएगा, तो क्या इधर x और इधर 2, तो x की वैल्यू 1 तो आ गई 2। अब हम लेके चलते हैं a21, a इधर भी 21, तो इधर क्या x और इधर क्या 4, तो 1x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, 1x की वैल्यू आई 2 और 1x की वैल्यू आई 4, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में क्या है? डिटरमिनेंट निकालना है। हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, 2, 4 माइनस का 5 माइनस का 1, ठीक है। पहला एलिमेंट लेके चलेंगे, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 एलिमेंट 2, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको कि 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2 माइनस का निशान 4 की माइनस 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 20, तो क्या है? माइनस का 2 प्लस 20 क्या है? माइनस का 18। सेम इसी तरह सेकंड का क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें ए की वैल्यू, ए दे रखा है ए मैट्रिक्स, तो हमें शो करना है 2A का डिटरमिनेंट 4A का डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं? 2A निकाल लेते हैं, 2A1 2 4 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4 ये हो जाएगी, ठीक है। अब 2A का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 2A का डिटरमिनेंट के लिए हम लिख करेंगे 2 4 8 4 का डिटरमिनेंट, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 8, 4 की 8 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 32 हो जाएगा। 8 में से ना 32 में से 8 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? A का डिटरमिनेंट निकालेंगे। A का डिटरमिनेंट 1 2 4 2, 1 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 के 4 के साथ करेंगे तो 8,
तो क्या वैल्यू आई माइनस की 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी क्या दे रखा है 4 और a का डिटरमिनेंट, तो 4a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है माइनस का 6, क्या है माइनस का 24। और यही वैल्यू हमारी किसकी थी 2a का डिटरमिनेंट की, तो क्या आ गया हमारे पास 2a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4a डिटरमिनेंट। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, तो हम क्या कर रहे हैं a डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। पहला एलिमेंट लेके चलेंगे 1, इस रो को ढक लेंगे और इस कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या आएगा 4, 2 की 0 साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस का निशान 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1। ठीक है, इस रो को ढक लेंगे और इस थर्ड कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या आएगा 1 की 0 साथ करेंगे 0 माइनस 0, तो हमारा आंसर क्या है एक डिटरमिनेंट का 4। हम क्या करेंगे 27 ए डिटरमिनेंट दे रखा था, 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए डिटरमिनेंट से, तो वैल्यूज क्या आई 108। अब हम क्या करेंगे 3a निकाल लेंगे, यानी कि a जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यूज क्या है कि 303 03 6 00 12। ठीक है, ये 3a के डिटरमिनेंट 3a आ गया। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो वैल्यूज क्या आएगी, पहला एलिमेंट 3, इस रो को डाल लेंगे इस कॉलम को डाल लेंगे तो 12 3 36, 6 को 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 3, इस रो को डाल लेंगे इस कॉलम को डाल लेंगे 3 की 0 के साथ करेंगे 0 और 0 की 0 के साथ करेंगे 0। 3a का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 108, तो ये इसके बराबर आ गई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3a का डिटरमिनेंट किसके बराबर है 27a का डिटरमिनेंट के। ठीक है, यही हमें शो करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, इसको हमें शो करना है, तो हम क्या डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहला एलिमेंट क्या है 3, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस 1 की 5 के साथ करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस 1, इस रो को ढक लेंगे और इस कॉलम को ढक लेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 की 3 के साथ करेंगे माइनस का 3, 0 की 0 के साथ करेंगे तो 0, प्लस माइनस का 2। अब इस रो को ढक लेंगे इस कॉलम को ढक लेंगे तो 0 की 3 के साथ करेंगे 0, माइनस 5 की 0 के साथ करेंगे तो 0, तो वैल्यूज क्या आई माइनस का 15। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 3 और ये वाली टर्म 0, तो क्या बचेगा माइनस का 15, माइनस का 3, डिटरमिनेंट की वैल्यूज क्या है माइनस का 18। सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a डिटरमिनेंट निकालना है, a गिवन है तो a डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे फर्स्ट एलिमेंट 1 1, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रो को ढक देंगे इस रो को ढक देंगे तो 1 की 9 माइनस 9 के साथ करेंगे माइनस 9, माइनस माइनस 3 की माइनस सॉरी माइनस 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, माइनस 1, इस रो को ढक देंगे और इस कॉलम को ढक देंगे 2 की माइनस 9 के साथ करेंगे माइनस का 18, माइनस 3 की 5 के साथ करेंगे माइनस का 15, प्लस माइनस का 2, इस रो को ढक देंगे और इस कॉलम को ढक देंगे तो क्या आएगा 2 की 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगी 8। ठीक है, अब 1 की 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस का 9 और माइनस का 12, माइनस का 21, माइनस माइनस का 18, माइनस का 15 दे रखा था और माइनस पहले से था प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 2, 8 माइनस 5 3, माइनस का 21, माइनस माइनस का 18 प्लस का 15 क्या हो जाएगा माइनस का 3,
माइनस पहले से था तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 27, प्लस का 3, माइनस का 24, ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो कंपेयर करेंगे ए वन वन को ए वन के साथ, तो 2 = 2x, यहां से एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगी। अब हमारे पास यहां पर एक्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ए 22 को ए 22 के साथ कंपेयर करेंगे, तो 1 = x, एक्स की वैल्यू यहां से भी 1 आ गई। ठीक है, सेम इस तरह सेकंड पार्ट में ए 11 की जगह एक्स है, तो इधर 2 इधर एक्स, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ए 22 की जगह पे है तो इधर 4 है, इधर 2x है, तो एक्स की वैल्यू इधर से भी क्या आ गई, 2, तो एक्स की वैल्यू यहां पर आ गई 2। ठीक है, आगे भी बताना है कि जो गिवन एग्जांपल है इसमें एक्स की वैल्यू कौन सी सही है। इधर है ए 11 पे है तो एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा, इधर ए 22 पे है तो एक्स की वैल्यू 6, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। ठीक है, आज की हमारी एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है।